हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 3 के इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी जानेंगे इनके आंसर्स के अपने को किस तरीके से अपने के वर्कबुक में फिल करने हैं। कॉम्पिटेंसी एसोसिएट पिक्चर्स विद वर्ड्स, आपको पिक्चर से यानी वर्ड को मिलान करना है, यानी जो फोटो दी गई है और कुछ वर्ड्स लिखे गए उनका उनके साथ क्या करना है, मैच करना है। मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट पिक्चर्स एंड कलर द पिक्चर्स, और साथ में जो पिक्चर्स दे रखी है उनको कलर करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे डक है, ये डक वर्ड है और यहाँ पे डक से क्या कर रखा है, इसको एरो कर रखा है और इसको क्या करना है, कलर भी करना है। उसके बाद में जैसे ये कैमल है तो अपने को कैमल से इसको मिलान करना है। उसके बाद में ये बोल है, बोल से इसका मिलान करना है। उसके बाद में जैसे ऊपर फ्रॉग यानी फ्रॉग वर्ड है, इस फ्रॉग से इसको मिलान करना है। उसके बाद में बॉट, तो बॉट से मिलान करना है। नेक्स्ट दे रखा है लैंप, तो इसको लैंप से मिलान करना है। फिर दे रखे हैं ग्रेप्स, तो इसको ग्रेप्स से मिलान करना है। और इधर दे रखा है नोज, नोज से मिलान करना है। ओवल, ओवल से मिलान करना है। हैंड, हैंड से मिलान करना है। तो इस तरीके से आपको इनको क्या करना है, इनसे मैच करना है और इन सभी जो पिक्चर्स दे रखी है, जो फोटो दे रखी है, उन सभी में क्या करना है, कलर करना है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट वर्कशीट की। नेक्स्ट अपनी वर्कशीट नंबर 21, कॉम्पिटेंसी राइट लेटर्स इन सीक्वेंस, यानी अपने को जो वर्ड हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, उनको सीक्वेंस में लिखना है, यानी ए के बाद क्या आता है, उस तरीके से। फिल इन द मिसिंग कैपिटल लेटर्स विद एप्रोप्रिएट स्ट्रोक्स, आपको कैपिटल लेटर लिखने हैं जो मिस है, जैसे ए लिखा गया है और यहाँ से ये लिखा गया, तो क्या मिस है यहाँ से, यानी क्या लिखना होगा अपने को, यानी यहाँ बी लिखना होगा, तो अपने को कैपिटल बी लिखना है, यानी बी कैपिटल। सी के बाद में क्या आता है, डी, तो डी लिखना है। ई एफ, एफ के बाद क्या आता है, यानी जी आता है, तो जी लिखना है। एच के बाद में आई, आई लिखना है। जे के बाद के आता है, के लिखना है। फिर एल, एम, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, तो यहाँ एन लिखना है। ओ के बाद में पी आता है, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद यानी एस आता है। फिर टी है, टी के बाद यू आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, एक्स वाई और उसके बाद में जेड आता है, यानी कैपिटल अक्षर लिखने हैं सारे जो छूटे हुए हैं, उन सबको पूरा करना है। फिर नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग स्मॉल लेटर्स विद एप्रोप्रिएट स्ट्रोक्स, अब अपने को स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, जैसे ए बी उसके बाद में यानी सी, डी के बाद में ई, फिर एफ है, एफ के बाद में जी, जी के बाद एच, आई उसके बाद जे, के बाद में एल, फिर एम, एन है उसके बाद में ओ, पी के बाद में क्यू, आर है एस, फिर टी आएगा यू, फिर वी, डब्ल्यू उसके बाद में एक्स और उसके बाद में वाई, यानी स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। पहले अपन ने कैपिटल्स लिखे, अब स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। नेक्स्ट अपनी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 22, यानी 22 नंबर वर्कशीट। कॉम्पिटेंसी यूज प्रीपोजिशंस इन, ऑन, अंडर अप्रोप्रिएटली, अपने को तीन प्रीपोजिशंस का यूज करना है, इन, ऑन, अंडर। इनका मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी अपने को जो सही जो प्रीपोजिशन है उसका यूज करके अपने को सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे द बॉल इज द टेबल, यहाँ पे दे रखा है ऑन और इन। अब देखो ये टेबल के ऊपर बॉल है, ऊपर बॉल है तो ऑन आता है, तो अपने को क्या करना है, इसमें ऑन पे टिक करना है, ऑन लिखना है, द बॉल इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है द बुक्स आर द बैग, अब देखो यहाँ पे बैग दिखाई गई है और उसके अंदर अपनी बुक्स है, तो बुक्स अंदर है, बैग के अंदर है, अंदर है तो इन लगाएंगे, यानी द बुक्स आर इन द बैग। आपको तीनों को अच्छे से समझना है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो उसमें ऑन आता है, ओ एन ऑन, किसी के अंदर होती है तो इन आता है, किसी के नीचे होती है तो अंडर आता है। तीसरा है द बकेट इज द टैप, यानी जो बाल्टी है वो नल के नीचे है। ये देखो ये नल है और नल के नीचे क्या दिखाई दे रही है, बाल्टी दिखाई दे रही है, यानी बकेट है तो क्या होगा, नीचे है तो इसका मतलब अंडर, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अंडर।
नेक्स्ट है द गर्ल इज द अम्ब्रेला। अब देखो गर्ल है वो क्या है, अम्ब्रेला के अंदर है या अम्ब्रेला के नीचे है, तो अम्ब्रेला के नीचे है तो क्या आएगा अंडर। नेक्स्ट है द कैट इज स्लीपिंग, द कैट इज स्लीपिंग द बुक्स। अब जो बिल्ली है वो कहाँ पे सो रही है, बुक्स के अंदर सो रही है बुक्स के ऊपर सो रही है, तो बुक्स के ऊपर सो रही है तो इसका मतलब ऑन, तो यहाँ पे लिखना है द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बुक्स। नेक्स्ट है द टाइगर इज द कैज अंडर इन। अब देखो टाइगर जो है नहीं, टाइगर है वो पिंजरे के अंदर है या पिंजरे के नीचे है, तो ये पिंजरे के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पिंजरे के अंदर है तो क्या लगाते हैं अपन, अंदर के सेंस में इन लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे द टाइगर इन, द टाइगर इज इन द कैज, यानी जो टाइगर है वो कैज यानी पिंजरे में है, क्या है में है, नीचे नहीं है में है, तो में के सेंस में क्या लगाएंगे इन का यूज करेंगे। यानी अपन ने तीन पढ़े हैं, एक तो इन, ऑन और अंडर, यानी बहुत आसान है। इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर होना, ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर होना, और अंडर का मतलब है किसी चीज़ के नीचे होना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।